पीरियड्स में कपड़े के इस्तेमाल ने ले ली महिला की जान। अहमदनगर की 28 वर्षीय महिला एक कपड़े को बार बार पीरियड्स में इस्तेमाल कर रही थी। इसकी वजह से महिला को टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो गया था, जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होने वाली एक घातक बीमारी है। पिछले कुछ समय से देश में मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन के बारे में जागरूकता फैलाने का काम तेजी से चल रहा है। सरकारी कार्यक्रम, एनजीओ, सोशल मीडिया, यहाँ तक कि बैटमैन जैसी फिल्में भी इसी मुद्दे पर जनता को जानकारी देने के काम में लगे हैं। इसके बावजूद पिछले हफ्ते पीरियड्स को लेकर जागरूकता के अभाव की वजह से एक युवा महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। सैनिटरी नैपकिन या दूसरे सुरक्षित विकल्पों की जगह एक ही कपड़े को बार बार इस्तेमाल करने से उसे जानलेवा इन्फेक्शन हो गया था। सोमवार को अहमदनगर जिले की रहने वाली 28 वर्षीय महिला को पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया। महिला के पति एक गरीब किसान थे, जिन्होंने उसे रविवार को इमरजेंसी में भर्ती कराया। महिला को भयानक पेट दर्द, लो ब्लड प्रेशर और तेज बुखार की शिकायत थी। महिला को टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो गया। जांच में पता चला कि महिला की बीमारी की वजह पीरियड्स के समय एक ही कपड़े को बार बार इस्तेमाल करना था। इसकी वजह से महिला को टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो गया था, जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होने वाली एक घातक बीमारी है। रूबी हॉल क्लिनिक पुणे के डॉक्टर अभिजीत लोढ़ा का कहना था कि महिला को पहले ही गंभीर सेप्सिस हो गया था। उसे 106 डिग्री बुखार था और वह शॉक में थी। उसका बीपी इतना लो था कि नापा भी नहीं जा सकता था। सेप्सिस और जरूरी अंगों के नाकाम होने की वजह से उसकी मौत हो गई। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया ऐप डाउनलोड करें और हमारे न्यूज़ के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।